जय माता दी। राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। आज बना रही हूँ मैं नींबू की चटनी। नींबू के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नींबू को अच्छी तरह धोकर सुखा लिए हैं और अब इन्हें काट देंगे और इसके बीज सारे निकाल के साइड रख देंगे क्योंकि बीज बहुत कड़वे होते हैं। नींबू पानी पीने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आपका फैटी लीवर है तो नींबू पानी बहुत बढ़िया होम रेमेडी बन सकती है हमारे लिए। नींबू पानी में हमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर किसी की किडनी स्टोन है तब भी डेली नींबू पानी पीने से हमें फ़ायदा होता है। नींबू सारे काट के तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई में तेल डाल दिया है थोड़ा सा। यह है मेथी दाना, हींग। हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जीरा क्रश कर लेंगे इसे हाथ से। अजवाइन भी क्रश करके डालेंगे। लाल मिर्च तीखा बनाएंगे चटपटी चटनी। हल्दी, और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक को। देगी मिर्च, देगी मिर्च चटनी में अच्छा रंग दे देती है। अब जो नींबू काट के रखे थे वो सारे डाल देंगे और हल्का हल्का मिलाते जाएंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और उबाल आने देंगे। अच्छी तरह इसमें उबाल आ गया है और थोड़ा मिला देंगे बहुत सारा रस है नींबू में। इस रस को हमने अच्छी तरह सुखा देना है। ये रखे थे गुड़ काट के, अब इसमें गुड़ डाल देंगे तभी ही हमारी खट्टी मीठी चटनी बनेगी। अपने स्वाद अनुसार गुड़ डाल सकते हैं, जैसा किसी को अच्छा लगे। ज़्यादा मीठी चटनी खानी हो तो गुड़ को ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिला देंगे और पकने के लिए रख देंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक नींबू का छिलका सारा गल ना जाए।
आज बना रहे हैं मक्की की रोटी यानी मक्की के परांठे। हमें कमेंट किया था किसी ने स्टेशन नाम से कोई कि मक्की की रोटी बना दीजिएगा फिर से। फिर आज बना रही हूँ मैं मक्की के परांठे। नींबू ने बहुत रस छोड़ दिया है और इसे हमने सारा सुखाना है। पकने लगे हैं नींबू, थोड़े थोड़े रह रहे हैं। मैंने गर्म पानी रख दिया है मक्की की रोटी के लिए। हमें पानी, गर्म पानी लेना है आटा गूंथने के लिए। अगर हम ठंडा पानी लेंगे तो हमारी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हमें गुनगुना पानी लेना है। सबसे पहले मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और नमक डाल दिया है आटे में। अजवाइन और नमक को अच्छी तरह मिला देंगे और गुनगुने पानी से धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। मक्की की रोटी आसान नहीं है बनानी, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी हमारी मक्की की रोटी। धीरे धीरे हथेली से गूंथना शुरू कर देंगे हम आटे को। जितना आटे को ऐसे मसलते जाएंगे हथेली से, उतना ही अच्छा हमारा आटा बनेगा। अब आटा तैयार हो गया है रोटी बनाने के लिए। अब थोड़ा सा आटा मैं साइड में धीरे धीरे हथेली से मसलती जाऊंगी और पानी का हाथ लगाती जाऊंगी। अगर हमारे हाथ में आटा चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हल्का सा, इससे हमारा आटा चिपकता नहीं है हाथ में। देखो बहुत ही अच्छी रोटी बनी है हमारी मक्के की। गेहूं और मक्के की रोटी में यही फर्क होता है। गेहूं की रोटी जल्दी पक जाती है और मक्के की थोड़ा समय ज़्यादा लेती है। हमने लगा दिया है इसमें तेल, घी भी लगा सकते हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ मक्की के परांठे। पलटे से बार बार पलटते रहेंगे क्योंकि ये मक्की की रोटी गेहूँ रोटी से ज़्यादा मोटी होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब लगा रहे हैं हम थाली। यह है नींबू की चटनी जो हमने अभी बनाई है।
दही जमा के रखी थी, बहुत अच्छी दही जमी है। मक्की का परांठा, नींबू की चटनी और दही, बहुत ही स्वादिष्ट। आइए आप सभी भी इसका स्वाद लीजिएगा।